So it's time to say bye-bye. Bye-bye. फ्लाइट है हमारी 11 बजे की, यानी कि 10:55 की है, और अभी हो रहे हैं 7:45। तो यहाँ से मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से। तो वहाँ बैठूँगा, थोड़ा सा सोच विचार किया जाएगा कि कैसा था बैंकॉक और कैसी रही चीज़ें, क्या क्या छूटी, कैसा कैसा आई कुड डू। और इसी के साथ मेरा day 3 इन बैंकॉक ख़त्म हो रहा है। सो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। सो ड्यूरिंग द जर्नी आई विल थिंक अबाउट इट एंड विल समराइज कि क्या अच्छा था। और ये वही स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। सो अभी मेरे पास कुछ आई बात पड़े हैं, इंग्लिश आई भाई कंपनी। दो स्टेशन है तो बीस रुपये टैक्स हो गया चार्ज। एक मेट्रो आई तो है ऊपर, आई गेस वहीं की होगी एयरपोर्ट। गई बंद हो गई। जो अगली मेट्रो आने वाली है वो है 11 मिनट में, और इस मेट्रो स्टेशन का नाम है बैनथैप चैंग। चैंग का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट। मैं अपना फ़ोन देख रहा था कि मेरे पास फ़ोन तो है। जेट एयरवेज का सामने है चेक इन। यहाँ पे मेरे साथ सीन ये हो गया, मैंने डाला था 24 दिसंबर को एप्लीकेशन वीज़ा के लिए, 25 छुट्टी हो गई, 26, 27, 28 उन्होंने कुछ काम नहीं किया, 29 को ऐसे ही फ्राइडे था और मेरा अभी तक अप्रूवल आया ही नहीं है। अब मुझे यहीं बैंकॉक में सड़ना पड़ेगा। अब ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भी अप्लीकेशन डालना पड़ता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। सो इन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है कि आप VHjet में 3 दिन के अंदर अपनी फ़्लाइट को रीशेड्यूल कर सकते हो, बट बिफोर दैट यू शुड हैव अ वैलिड वीज़ा। मतलब वीज़ा तो होना ही चाहिए भाई, तो ही आपकी टिकट को अलाउ करेंगे, आपको अलाउ करेंगे बोर्ड करने के लिए, अदरवाइज़ आपके टिकट के पैसे गए। यार ये छुट्टियाँ, लास्ट टाइम हो गया था मेरा, पता नहीं सर क्यों नहीं हो रहा। लेट्स वेट। देखो खुद ही सफाई कर रहा अपने आप। गुड। अभी मैंने खा लिया है स्टिकी मैंगो राइस और कुछ $51, ज़्यादा नहीं, 51 US डॉलर मैंने कन्वर्ट करा लिया दोबारा से, ताकि मैं इस शहर से दूसरे शहर घूम सकूं। तो आई नीड टू गो, एक छोटा सा होटल बुक कर लिया दोबारा से, वहाँ अपना सामान फेंकूँगा, फिर देखते हैं वहाँ कैसे घूमा जाए।
छुट्टी होने की वजह से सारी मार्केट बंद है और सामने है छोटा वाला चंद। तो अभी मैं यहाँ रुकूँगा और वेट करूँगा अपने वीज़ा अप्रूवल के लिए फॉर वियतनाम।